हमारे चैनल LF News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदुस्तान चोणों तो बाद जी 2022 विधानसभा चोणा हुई असं उस तो बाद अपने संगठन को मजबूत करने लिए रीओरगेनाइज करने की एक मुहिम चलाई है। उसके तहत असं पहले फेज च दो दिन के दौरे पर आए हैं। पहला असं लुधियाणा सीगे ते जलंधर और अज असं अमृतसर के अपने संगठन के जेडे जिम्मेवार पदाधिकारी है असं क्या भी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। जेडे जिम्मेवार पदाधिकारी है उन्होंने बैठक ले रहे हैं उन्होंने तो फीडबैक लै रहे हैं कि साडे संगठन की जिहड़ी सकारात्मक स्थिति है वह की है साडे कोल संगठन के किन्ने सदस्य किन्ने पदाधिकारी है और उन्होंने रीओरगेनाइज किवें किया जा सकता है। तो अज जी है शिवसेना हिंदुस्तान अमृतसर इकाई की बैठक हो रही है जिदे साडे जिहड़े सब तो सीनियर पदाधिकारी हैं श्री अनिल लाल जी महासचिव है पंजाब प्रदेश के जिला अध्यक्ष राहुल अरोड़ा जी नवीन मेहरा जी सीनियर जिला प्रधान विशाल कुमार जी जिला यूथ प्रधान राजकुमार जिला महासचिव ये तमाम पदाधिकारी जिहड़े है अज इस बैठक के आए हैं और असं उन्होंने विचार विमर्श करके संगठन की स्थिति होर ज़्यादा किवें मजबूत हो सकती है संगठन पंजाब लैवल से किवें मजबूत हो सकता है उसनू असी अज विचार करके अमृतसर के संगठन का पुनर्गठन कर जा रहे हैं। देखो गौ हत्यावान का कारण यह है कि लगातार जी गौ तस्करी है वह नकेल नहीं कर सके और गौ तस्करी जी लगातार बढ़ रही है सरकार प्रोपरली जोड़े लोग है उन्होंने सख्त सजा दे रुक सकती है उन्होंने गिरफ्तार कर दे जमानत हो जाती है तो इस करके गौ तस्करी नहीं रुक रही और जो गौ धन रजिस्टर किया जाए उन्होंने जिम्मे आप कहने मोहर लगे जेडे बंद गौं है भैंसा है वह होना चाहिए तो उसके नाल काफी हद तक रुकेगी। एक गल मैं होर कहना चाहना जी पंजाब जी नवी सरकार बनी है असी एक नवा जो पुराने मुद्दे से चंडीगढ़ पंजाब नूं दिओ पानी का मुद्दा जिदे उत्ते बहुत सारा खून बहुत सारा समा पंजाब दे विच लग चुका है लेकिन जिहड़ी सरकार आई है वह कुछ होर वादे ते आई सी भी 300 फ्री यूनिट दिती जाएगी और जिहड़ा है रुजगार दिता जाएगा पंजाब नूं विकास दे रस्ते ते लेके जाया जाएगा। असीं पंजाब सरकार नूं अपील करते हैं कि जिहड़े उह जे मुद्दे जिन्हां नाल भाईचारक सांझ बिगड़ सकती है उन्होंने उत्ते ध्यान देने की बजाय जिहड़े मुद्दे ते आम आदमी पार्टी जित के आई है जिन्हां ते लोगों ने विश्वास करके वोट दिता है वह मुद्दे पूरे किए जाने चाहिए है ताकि पंजाब के लोगों ने यह चंडीगढ़ पंजाब देना दरिया का पानी दो ही गठबंधन होए है एक है महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का पंजाब के कि शिवसेना है बहुत सारिया शिवसेना है पर शिवसेना हिंदुस्तान एक ऐसी राजनीतिक दल है कि उसका राजनीतिक गठबंधन इस विधानसभा चोणा च श्रोमणी अकाली दल बादल नाल होया उस अकाली दल बादल नाल होया जिदे नाल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुंदा सी उहदे नाल शिवसेना हिंदुस्तान का गठबंधन उहदे बारे थोड़ा संकेत की गल है। देखो हिमाचल सरकार ने बड़े दलेरी नाल एक फैसला किया है कि सिंह संगत निशान साहब की वोट लेके गुरधामा के दर्शन लिए आ सकती है पर जिहड़े वो खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडाले की फोटो लेके जा रहे हैं झंडे लेके जा रहे हैं उहदे उत्ते उन्होंने साफ रोक लगाई और यह रोक लगनी चाहिए है जे असी ऐसी चीजा नूं प्रमोट करांगे जिन्होंने हजारा हजारा लोगों की हत्या करवाती निर्दोष लोगों की हत्या करवाती हिंदुओं नूं बसा चो कढ़ के लाइन लगा के मारिया इहो जे लोगों नूं प्रमोट करांगे तो वह साडी युवा पीढ़ी की सीखेगी हिंदुओं के जख्मों नूं पूरे दिन की कोशिश की गई है तो वह हिमाचल की सरकार ने जिहड़ा बैन किया मैं चिट्ठी लिख के जयराम ठाकुर जी का धन्नवाद किया कि तुसीं हिम्मत की है असीं इस गल दे समर्थन च हैं कि निशान साहब की जिहड़ी अगवाई दे विच कोई यात्रा जाए तो पूरे देश च कोई पाबंदी नहीं है और ना होनी चाहिए है पर जे कोई अतवादी जरनैल सिंह भिंडराले की फोटो लेके निशान ओहदा झंडा लेके उत्थे जाण दी कोशिश करदा है तो भारत सरकार नूं प्रतिबंध लगा देना चाहिए
ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੀਪ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੈਂ 5,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।